हम इंसान अमेरिका के हों, अफ्रीका के हों, हम अरबी हों, हम अजमी हों, या फिर हम नीले, पीले, काले, सफ़ेद या जर्द हों, हमारी कुल ख्वाहिशों की फहरिस्त सिर्फ 25 के अदद तक महदूद है। इस दुनिया और उस दुनिया दोनों में हमारी ख्वाहिशों की फहरिस्त सिर्फ 25 होती है। हम दौलतमंद बनना चाहते हैं, हम इल्म हासिल करना चाहते हैं, हम बाइज्जत कहलाना चाहते हैं, हम गुड मैन मशहूर होना चाहते हैं, हम चाहते हैं लोग हमें आदल कहें, हम ताकतवर बनना चाहते हैं, हम चाहते हैं अल्लाह हमें पसंद करे, हम अपने रिज़्क अपने दस्तरखान में कुशादगी चाहते हैं, हम चाहते हैं हम अल्लाह से जो मांगे वो हमें फौरन मिल जाए, हम साहिब इक्तदार बनना चाहते हैं, हम पाकबाज फरिश्तों की तरह पाकबाज बनना चाहते हैं, हम गुनाहों को कंट्रोल करना चाहते हैं, हम क़यामत के दिन नूरानी लोगों में उठना चाहते हैं, हम चाहते हैं अल्लाह हम पर रहम करे, हम अपनी गलतियों को छुपाना चाहते हैं, हम बेइज्जती रुसवाई से बचना चाहते हैं, हम अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महबूब बनना चाहते हैं, हम फर्मा बरदार साबित होना चाहते हैं, हम लोगों पर एहसान करना चाहते हैं, हम अपने गुनाहों की माफ़ी चाहते हैं, हम दोज़ख़ की आग से बचना चाहते हैं और हम अल्लाह के गुस्से से महफूज रहना चाहते हैं। आप फहरिस्त बनाते चले जाएं, मुझे यकीन है आपकी फहरिस्त 25 से आगे नहीं जाएगी। लेकिन सवाल यह है, क्या हम अपनी ये तमाम ख्वाहिशें पूरी कर सकते हैं? हाँ, हम कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको आगे की बजाय 1400 साल पीछे जाना पड़ेगा, वहाँ जहाँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन 25 ख्वाहिशों का हल बता दिया था। आप ये सुनिए, अपनी अपनी ख्वाहिशें इकट्ठी कीजिए, हल मुंतखब कीजिए और दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब हो जाइए। एक बद्दू नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में हाज़िर हुआ और अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अमीर यानी गनी बनना चाहता हूँ। आपने फरमाया, कनाहत इख्तियार करो, अमीर हो जाओगे। अर्ज़ किया, मैं सबसे बड़ा आलम बनना चाहता हूँ। फरमाया, तकवा इख्तियार करो, आलम बन जाओगे। अर्ज़ किया, मैं इज़्ज़त वाला बनना चाहता हूँ। फरमाया, मखलूक के सामने हाथ फैलाना बंद कर दो, बाइज्जत हो जाओगे। अर्ज़ किया, मैं अच्छा इंसान बनना चाहता हूँ। फरमाया, लोगों को नफ़ा पहुँचाओ, फ़ायदा पहुँचाओ लोगों को, लोगों के गुड मैन हो जाओगे। अर्ज़ किया, मैं आदल बनना चाहता हूँ। फरमाया, जिसे अपने लिए अच्छा समझते हो वही दूसरों के लिए पसंद करना शुरू कर दो। अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं ताकतवर बनना चाहता हूँ। फरमाया, अल्लाह पर तवक्कुल और भरोसा करना शुरू कर दो। अर्ज़ किया, अल्लाह के दरबार में ख़ास दर्जा हासिल करना चाहता हूँ। फरमाया, कसरत से ज़िक्र किया करो। अर्ज़ किया, रिज़्क़ की कुशादगी चाहता हूँ। फरमाया, हमेशा बावजू रहो, रिज़्क़ के अंबार लग जाएंगे। अर्ज़ किया, दुआओं की कबूलियत चाहता हूँ। फरमाया, हराम ना खाया करो। अर्ज़ किया, ईमान की तकमील चाहता हूँ। फरमाया, इखलाक अच्छे कर लो। अर्ज़ किया, क़यामत के रोज़ अल्लाह से गुनाहों से पाक होकर मिलना चाहता हूँ। फरमाया, जनाबत के फौरन बाद गुसल कर लिया करो। अर्ज़ किया, गुनाहों में कमी चाहता हूँ। फरमाया, कसरत से इस्तफ़ार किया करो। अर्ज़ किया, क़यामत के रोज़ नूर में उठना चाहता हूँ। फरमाया, जुल्म करना छोड़ दो। अर्ज़ किया, मैं चाहता हूँ अल्लाह मुझ पर रहम करे। फरमाया, अल्लाह के बंदों पर रहम किया करो। अर्ज़ किया, मैं चाहता हूँ अल्लाह मेरी पर्दापोशी किया करे। फरमाया, लोगों की पर्दापोशी किया करो। अर्ज़ किया, रसवाई से बचना चाहता हूँ। फरमाया, जना से बचा करो। अर्ज़ किया, मैं चाहता हूँ अल्लाह और उसके रसूल का महबूब बन जाऊँ। फरमाया, जो अल्लाह और उसके रसूल को महबूब हो उसे अपना महबूब बना लो। अर्ज़ किया, अल्लाह का फर्मा बरदार बनना चाहता हूँ। फरमाया, फ़राइज़ का एहतमाम किया करो। अर्ज़ किया, एहसान करने वाला बनना चाहता हूँ। फरमाया, अल्लाह की इस तरह बंदगी करो जैसे तुम उसे देख रहे हो या जैसे वो तुम्हें देख रहा है। अर्ज़ किया, गुनाहों से क्या चीज़ माफ़ी दिलाएगी? फरमाया, आंसू, आजजी और बीमारी। अर्ज़ किया, कौन सी चीज़ है
जो दोज़ख की आग को ठंडा कर देगी। फरमाया सबर, दुनिया की मुसीबतों पर सबर। अर्ज किया अल्लाह के गुस्से को क्या चीज ठंडा करेगी? फरमाया चुपके चुपके सदका और सिला रहमी। अर्ज किया सबसे बड़ी बुराई क्या है? फरमाया बुरे अखलाक और कंजूसी। अर्ज किया सबसे बड़ी अच्छाई क्या है? फरमाया अच्छे अखलाक, लोगों की खिदमत और सबर। और अर्ज किया अल्लाह के गुस्से से बचना चाहता हूं। फरमाया लोगों पर गुस्सा करना छोड़ दो। आप देख लीजिए दुनिया के 25 बड़े मसलों के कितने छोटे लेकिन कितने वाज़े हल मौजूद हैं। मैंने जब यह हदीस पढ़ी थी तो मैंने इसे टेस्ट करने का फैसला किया था। मैंने इसमें से 3 नंबर का इंतखाब किया और आप यकीन कीजिए तीसरे ही दिन इसका नतीजा निकल आया। अल्लाह ने आज तक मुझे किसी शख्स के सामने बेइज्जत नहीं होने दिया। क्यों? क्योंकि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म को हुक्म समझकर आज तक किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। आप भी अपने आप को टेस्ट करके देख लीजिए। मुझे यकीन है आपका जो भी मसला होगा उसका हल इस हदीस में मौजूद है। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई तो आप प्लीज़ इसे लाइक भी कर दीजिए और अपने दोस्तों और अजीज़ों के साथ शेयर भी कर दीजिए। अल्लाह ने चाहा तो ये किसी न किसी शख्स का माइंड ज़रूर चेंज करेगी।